तो दोस्तों आज स्विफ्ट गाड़ी में बेस ट्यूब लगने वाली है। ये स्टीरियो का ऊपर ले वाला जो पैनल है ये निकाल लिया है बाहर, इसको निकाल लेंगे। और स्टीरियो के पीछे दो स्क्रू होते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से उनको भी जो है खोल लेंगे यहाँ से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। ये एक स्क्रू बाहर आ गया है, अब ये दूसरा स्क्रू बाहर आ रहा है इसका साइड से। और साइड से स्क्रू बाहर आते ही जो है इसको बाहर निकाल लिया जाएगा स्टीरियो को। और स्टीरियो को दोनों कॉर्नर से पकड़ के बाहर निकालेंगे आराम से, बिल्कुल जैसे ये ऐसे करके। और ये साइड से जो इसका स्क्रू लगा हुआ था साइड पत्ती में इसके जो फ्रेम में, ये थोड़ा सा लूज था तो मैंने इसको टाइट कर दिया है। अभी आपको दिखाएंगे, अभी आपको बाहर ले चलते हैं एक बार, आपको वायरिंग दिखाते हैं कौन सी वायरिंग। और देखिए ये वाली इसमें बेस्ट ट्यूब लगने वाली है जो कि भाई साथ में लेके आया था, और एम्प भी जो है JBL के, ये दो लेके आया था। JBL को ट्राई करेंगे, जो उन सब इसमें ठीक रहेगा वो लगा देंगे। ये वायरिंग देखिए आप, अच्छी वायरिंग है। और आगे देखिए आप, सब कुछ ऐसे खुला पड़ा है। तो अब इसको, तो इसकी जो ब्लू वायर होती है वहाँ पे हमने रिमोट वायर को कनेक्ट कर दिया है। रिमोट वायर के ऊपर अच्छे से टेपिंग कर देंगे। अच्छे से टेपिंग करने के बाद ये देख आपको दिखा देंगे, ब्लू कलर की वायर होती है जो कि रिमोट वायर होती है, स्टीरियो के साथ जो है बेस ट्यूब वर्क करती है। उसे उसी के जो है भी आप पे ये लगाई जाती है कि जब हम हमारी गाड़ी का स्टीरियो ऑन हो तब तभी जो है बेस ट्यूब ऑन हो, अदरवाइज बेस ट्यूब बंद रहे। तो ये RC लीड है, ये RC लीड को हम इसके RC कनेक्टर में जो है पीछे लगा देंगे। RC कनेक्टर में पीछे जैसे ही लगती है तो यहाँ पे एक जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी अब इसको बंद कर देते हैं स्टीरियो को, और ऊपर से पैनल अभी बंद नहीं करेंगे, क्या पता दोबारा निकालना पड़ जाए। तो अभी बारी आई है इसके जो है स्क्रू वापस लगाने की, तो दोनों स्क्रू इसके वापस लगा देंगे। दोनों स्क्रू एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, ऊपर कॉर्नर में लगता है। तो ये एक लग रहा है, ये देखिए ये एक स्क्रू हमने लगा दिया है। अभी दूसरा स्क्रू इधर से उरली साइड में लगता है, राइट साइड में, जो कि स्टेयरिंग के बिल्कुल साथ में कॉर्नर पे है। तो ये स्क्रू भी लगा देंगे। और अभी आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा ताकि हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। और ये आ गया ऊपर से पैनल, और पैनल को हल्का सा लगाएंगे यहाँ पे, और ये हमने इसको हल्का सा लगा दिया है ताकि अगर कोई दिक्कत आए और कुछ थोड़ी बहुत परेशानी रह जाए तो उसको दोबारा खोलना पड़ जाए तो उसको आसानी से खोल भी सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं अगर आपने वायरिंग जो है प्रॉपर की है चेक करके। तो अभी आपको ले चलते हैं, रेड वायर इसकी एक बैटरी से आएगी, तो बैटरी वाली वायर जो है निकालेंगे एक बार। ये वाली बैटरी वाली वायर हमने निकाल ली है। और ये जो RC लीड और रिमोट वायर जो स्टीरियो से आई थी ये ऐसे बिखरी ना रहे, तो इसको अच्छे से जो है एक बार टेपिंग कर लेते हैं इसको जगह जगह से, ताकि ये एक से पैरेलल लाइन में चले और सेट करने में जो है गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए, ये मतलब बिखरी ना रहे। तो ये देखिए आप, ये आपको दिखा देता हूँ, ये सीधी कर ली हमने, और सीधी करके इसको लास्ट तक जो है जगह जगह पर टेप लगा लेंगे ताकि ये जो बिखरी बिखरी सी वायर रहती है कई बार वो बिखरी बिखरी सी ना रहे, कभी कभी कोई सी बाहर निकल रही है, कभी कौन सी बाहर निकल रही है, वो ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए जो है इसको जगह जगह से टेपिंग कर लेंगे। तो ये जब तक टेपिंग हो रही तब तक आपको बता दूं कि जो बेस ट्यूब और एम्प है ये भाई साथ में लेके आया था। जो भी इसमें एम्प सही चलेगा वो हम इसमें एम्प लगाएंगे, जो एम्प इसमें नहीं चलेगा वो हम रिजेक्ट में डाल देंगे, या फिर उसको भाई रिपेयर करवाने की कहेगा तो उसको रिपेयर के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये बस एक दो टेपिंग और रह गई है, तो देखते रहिए आप, एक दो टेपिंग में और जो है कंप्लीट काम हो जाएगा। और ये अच्छे तरीके से टेप, इसीलिए मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही कर पाएँ अपने घर पे ही। अगर आप बेस ट्यूब लगा रहे हैं तो आप भी ऐसे ही अपनी बेस ट्यूब को इंस्टॉल कर पाएँ ताकि कोई भी वायर जो है बाहर शो ना हो कहीं से भी। तो इसलिए मैं आपको ये जो है बार बार दिखा रहा हूँ। अभी ये हो गई है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे तरीके से निकालना है कि ये बाहर ना दिखे कहीं से भी। और इसको नीचे से जाके एक वायर से लपेट के अंदर से और ऐसे निकालेंगे कि ये कहीं भी जो है बाहर जरा सी भी ना दिखे और किसी को पता ना लगे कि वायर जो है बेस्ट ट्यूब की कहाँ से गई है और कैसे गई है। तो इसको निकाल लेते हैं एक बार, निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से वायर नीचे सेट करने के बाद यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे अब जो है तीनों वायर इकट्ठी चलेंगी, जो हमारी RC लीड है, रिमोट वायर है, और जो बैटरी से आई है
ये तीनों तारे जो है यहाँ से इकट्ठी चलेंगी। इन वाले पैनल्स को जो है, ये जो लॉक्स होते हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर के, इनके अंदर से गुजारते हुए हमको इनके पीछे लेके जाना है, ये वापस सेट कर देना है। अब ये खोलेंगे और ऐसे ही करके लेके जाना है ताकि ये जो वायर है ये पैनल के अंदर ही रहे, बाहर कहीं भी शो ना हो। और ऐसे ही करके आपको ये वाले पैनल में भी इसको खोल के और इसमें अपनी वायर को डाल लेना है, तीनों को इकट्ठी करके डाल लेना है। ये इसीलिए मैं कर रहा हूँ ताकि, इसीलिए आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए कि वायर कहाँ से लेके जाएं, कैसे लेके जाएं। और ये साइड पैनल भी हटा लेते हैं ताकि वायर अच्छी तरह से बाहर निकल जाए। और ये देखिए आप, इधर से वायर डालेंगे पैनल हटाने के बाद और पीछे जो है वायर को एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ से अच्छे तरीके से निकालते हुए साइड वाले जो पिलर का जो पैनल है वो हटा के और उसको अच्छे तरीके से बाहर निकालते हुए और वहाँ से जो है सीधा करके इसको और पीछे ले आएंगे। पीछे निकाल के इसके दो, एक या दो पैनल, सॉरी ये क्लिप, वो क्लिप और बचे हुए हैं जो कि ये वायर इकट्ठी होके ये वाले क्लिप में जाएगी। ये इसीलिए मैं डाल रहा हूँ ताकि वायर ऐसे बिखरी ना पड़े, बिखरी बिखरी ना रहे और ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसीलिए साइड पैनल निकालना भी ज़रूरी है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। अब इस वायर को इकट्ठा करेंगे सारी को और इकट्ठा करके और सीट बेल्ट, ये जो सीट है पीछे वाली निचले वाली जो सीट है पीछे साइड की, इस पिछले वाले सीट को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और थोड़ा सा ऊपर उठा के और इसके नीचे से जो है हम पीछे निकाल देंगे इसको। और ऐसे तरीके से निकालेंगे कि वायर ऐसे, मतलब सीट कभी उठानी पड़ जाए तो ऐसे दिखे नहीं कि ऐसे कोई मतलब कुछ भी काम हुआ पड़ा है। तो ये थोड़ी सी वायर जो है ये आपस में उलझ गई थी तो इसको सुलझा लिया गया है। अभी देखिए आप, यहाँ से सीट के नीचे से वायर जाएगी और आप देखिए कितने अच्छे तरीके से वायर जाएगी इसके नीचे से। आप भी ऐसे ही डाल सकते हो इसके नीचे से। ये सीट को थोड़ा सा उठा दिया गया है और इसके अंदर एक छोटा सा होल है तो वहाँ से वायर को निकालते हुए हम पीछे वायर को डाल देंगे। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से जो है ये वायर सेट हो गई है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वायर बिखरी हुई है। और अभी पीछे सीट के नीचे से जो है पीछे निकाल देंगे वायर को और अभी पीछे जाके इसको खींच लिया जाएगा और ये वायर पीछे आपकी पहुंच जाएगी। और अब इसमें कुछ नहीं रह गया है, बस इसको बैटरी को आगे कनेक्ट करना है बैटरी पे और अर्थ देना है, बाकी एम्प कनेक्ट करके और बेस ट्यूब कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों एक बार बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं वायर को, रेड वाली को, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वायर को छीलेंगे और छीलने के बाद इस पर हम थोड़ा सा जो है एक थिम्बल लगाएंगे ताकि यहाँ पे वायर को टाइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हल्का सा इसको आगे से जो है कट कर लेंगे और ये लगाएंगे थिम्बल, ये बैटरी वाला थिम्बल होता है ताकि आप अगर बैटरी में इसको कनेक्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत ना आए। वही इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये थिम्बल ज़रूर यूज़ करें यहाँ पे। और इस थिम्बल की मदद से अच्छे तरीके से करंट भी जो है कम्प्लीटली जो है अच्छे तरीके से करंट जाता है बेस ट्यूब के अंदर। और इसके ऊपर थोड़ी सी टेपिंग कर दें ताकि ये स्पार्किंग ना कर पाए या किसी अदर चीज़ से टच ना हो। तो टेपिंग कर लेते हैं और इसको कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये थिम्बल की मदद से जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको टाइट कर दिया गया है, टाइट कर रहे हैं। और ये एक बार प्रॉपर से टाइट हो जाए उसके बाद मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, पीछे दिखाता हूँ आपको। तो जहाँ जहाँ से हमने इसको खोला था अभी वहाँ वहाँ से इसको बंद कर देते हैं। ये हमने ग्लोव बॉक्स लगा दिया है। अभी बारी आई है साइड पैनल की, साइड पैनल लगा, तो ये यहाँ पे साइड पैनल भी लग चुका है। और अभी बारी आती है बीच वाले पिलर की, बीच वाला पिलर भी लगा दिया है। अभी ये जो है आगे वाला पैनल जो है ये भी हमने सेट कर दिया है। तो ये सारे सेट होने के बाद अभी आपको लेके चलते हैं पीछे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, ये ग्राउंड है तो ग्राउंड को हम ग्राउंड वाले पॉइंट पे लगाएंगे। ये ब्लैक कलर का जो ग्राउंड होता है उसको ग्राउंड वाले पॉइंट पे लगा देंगे। अभी बारी आती है प्लस वाले की, प्लस वाले को प्लस वाले पॉइंट पे लगा देंगे जिसपे आपको पॉजिटिव लिखा मिलेगा या फिर 12 या फिर प्लस लिखा मिलेगा। अभी बारी आती है रिमोट वायर की, तो रिमोट वायर को रिमोट वायर वाले कनेक्टर पर लगाएंगे। और उसके बाद बारी आएगी आरसी लीड की। ये आरसी लीड आप देख रहे हो, ये हम पीछे जो आरसी लीड के कनेक्टर होते हैं वहाँ पे लगा देंगे। और ये वाले काम करने के बाद आपको सीधा चलना है बेस ट्यूब के ऊपर। बेस ट्यूब में आपको दो कनेक्टर मिलेंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस माइनस पे माइनस आपको तार लगानी है और प्लस पे प्लस लगानी है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये काम करने के बाद आपको सेम टू सेम जो बेस ट्यूब में लगाया है ऐसे ही आपको प्लस और माइनस एम्प में भी लगाना है। बेस ट्यूब हमेशा जो है ब्रिज कनेक्शन पर चलती है, तो ये दो चैनल का एम्प है तो इस पर एक ही चैनल है, तो ये ब्रिज कनेक्शन पे इसका जो है प्लस और माइनस सेट करके यहाँ पे इसको लगा दिया जाएगा। तो ये काम होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अर्थिंग देना है। आपको कहीं अच्छी जगह अर्थिंग दे दो जहाँ से स्पार्किंग ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था,
बाकी बने रहे हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं जो लास्ट में हुआ वो ये हुआ कि दोनों में से कोई भी चैनल वर्क नहीं कर रहा था और दोनों को रिपेयरिंग के लिए भेज दिया गया है। साउंड टेस्टिंग इसकी आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी जब भी रिपेयर होके आएंगे इंस्टॉल करने के बाद। थैंक यू दोस्तों।